दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मीठा तो खास तौर पे बनता ही है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू रेसिपी वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं चंद्रकला, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने बादाम थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बिल्कुल बहुत ही थोड़े से घी में आप इसको रोस्ट कर लें अच्छे से, इसको अच्छी हल्की तरीके से भून लें। और इसमें मैंने किशमिश ऐड किया है थोड़ा स्वीटनेस लाने के लिए, क्योंकि मैं शुगर इसमें कम डालूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है अराउंड हाफ कप। और यहाँ पर हम डो लगा लेंगे इसका। इसके लिए आपको मैदा लेना है अच्छे से दबा दबा करके 2 कप, और हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालना है, और 3 टेबल स्पून घी डाल के अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसका हमको एक सॉफ्ट सा आटा लगाना है, सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और धीरे धीरे आटा इसका लगाते जाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पर डो बन करके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। इसको आप अच्छे से कवर करके रख दें किसी क्लिंग रैप से या पॉलीथीन से। यहाँ पर मैंने यूनी रैप यूज़ किया ऑडी का। उसके बाद यहाँ पर जब आपका ये मिक्सचर जो है स्टफिंग ठंडा हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला है, और थोड़ी सी इलायची। फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं शुगर सिरप। तो क्योंकि हम थोड़ा सा मीठा कम खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर लिया और 1/2 कप पानी। आप चाहें तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसमें फिर मैंने इलायची डाला है। और ये जो चंद्रकला है ना, इसको हाथों से ही बनाया जाता है, तो आप इसको हथेली से बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस करें। और यहाँ पर आपको एक चंद्रकला बनाने के लिए 2 लोई जो है छोटे छोटे वो लग जाएंगे। और आप देख सकते हो कि स्टफिंग आपको ना ज़्यादा रखना है ना कम, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है, ना ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए ये। और इसको पानी से अच्छे से सील कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो डिज़ाइन है, इसको आप पिंच करते हुए अच्छे से फोल्ड करते जाएं, बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाती है। देखने में टफ लगता है, बट एक दो बारी में ये प्रैक्टिस होगी तो ये अपने आप बन जाएगी। और एक चीज़ इसके में आपको ध्यान रखना है कि स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा भी ना भरें और बहुत कम भी ना डालें, बिकॉज स्टफिंग ज़्यादा होगा तो फटने के चांसेस रहते हैं। और इस तरीके से इसको डिज़ाइन बना के अच्छे से टक कर दे, अच्छे से सील पैक कर दे, ताकि स्टफिंग बाहर ना आए फ्राई करते टाइम। दूसरी चीज़ जो है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब आप इसको फ्राई करें। तो तेल कुनकुना ही था जब मैंने इसको फ्राई किया, और देख सकते हो ये बिल्कुल डबल हो गया है साइज़ में। तो ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी और जूसी बिल्कुल। तो आपको चाशनी जो है ना गर्म ही रखनी है, और गर्म चाशनी में इसको थोड़ा सा मतलब डिप करना है, कुनकुना होना चाहिए चाशनी बेसिकली, उसमें आप इसको डिप कर दें। आपकी मर्ज़ी 3-4 मिनट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए रखा और फिर निकाल दिया, और लास्टली मैंने इसको पिस्ता से गार्निश किया था। तो बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली आशीर्वाद।